अस्सलाम वालेकुम। हम बना बना कर केक हो गए हैं बोर। अब हम बनाएंगे केक का स्पॉन्ज। केक के तो बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज अपलोड करेंगे हम बनाएंगे केक का स्पॉन्ज। इसके लिए मैंने 7 अंडे लिए हैं। 7 अंडे के हिसाब से मैंने लिया है मैदा 210 ग्राम। एक अंडे पे 30 ग्राम मैदा लेना है। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने एक अंडे पर कोको पाउडर। और अपने आप अब टेस्ट अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उनको कितना डार्क चॉकलेट पसंद है, केक कितना लाइट, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और 1 टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तीनों को मैंने छन्नी में अच्छे से छान लिया है। और अब हम डालेंगे हमारे बड़े वाले बाउल में 7 के 7 पूरे अंडे। आप चाहें तो येल्लो वाला और वाइट वाला दोनों एग को अलग अलग बीट कर सकते हैं, पर ऐसे भी बीट हो जाता है, इसलिए मैंने सारे अंडे को एक साथ ले लिया है। और में डाला है मैंने एसेंस, वो भी एसेंस वैनिला एसेंस यूज़ किया है। मैं क्लासिक का वैनिला एसेंस यूज़ करती हूँ, जिसका टेस्ट, फ्लेवर सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और इतना अच्छा होता है कि मतलब क्या बताएं, बेक होते होते पूरे घर में खुशबू फैल जाती है केक की, और चॉकलेट केक की तो बात ही अलग होती है। और फिर मैंने लिया है 1 पिंच नमक, जो कि मैंने ये एक साथ ही सब डाल दिया है। अब उसको करेंगे बीट। और मैंने पहले 2 नंबर पर बीट किया है, उसके बाद फिर डायरेक्ट फास्ट कर देंगे एकदम 5 नंबर पर जो होता है उसको, उस नंबर पर बीट करेंगे एकदम फास्ट। और बीट करते करते जैसे कि मैंने बताया था, एक अंडे पर 30 ग्राम आपको मैदा लेना है और 25 ग्राम शुगर लेना है। क्यों? क्योंकि जो मैदा की क्वांटिटी होती है वो आप कभी भी मेजर करेंगे तो ज़्यादा होती है, और शुगर की क्योंकि वो हैवी होता है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। और शुगर ज़्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हम केक में शुगर से सोकिंग भी करते हैं, फिर बहुत मीठा हो जाता है केक, इसलिए 25 ग्राम शुगर लेना है और 30 वो। और इसमें दूध और जो तेल होता है हम उसको भी मतलब एक अंडे पे 10 ग्राम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने 7 अंडे लिया है तो 70 ग्राम हम दूध और 70 ग्राम ऑयल दोनों को एक सेपरेट बाउल में डालकर रख लेंगे। और क्योंकि उसे हमें ऐड करना है एकदम लास्ट में, तो मिल्क और ऑयल को सेपरेट करके ऐसे ही रख देंगे। अलग अलग करने की कोई भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते करते हमारे अंडे की क्वांटिटी आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ऐड कर दिया है जो हमारा शुगर था, वो शुगर मैंने ऐड किया है 190 ग्राम। आपकी क्लाइंट को जैसा चाहिए, आपको चाहिए जितना मीठा जितना कम, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से शुगर ऐड किया करें। जैसे कि मुझे ये जो स्पॉन्ज मैं बना रही हूँ, मैं जार केक के लिए बना रहा था। जार केक में हम क्रीम वगैरह सब कुछ केक के जैसा ही यूज़ करते हैं, शुगर सिरप से सोक भी करते हैं, इसलिए मैंने नॉर्मल ही रखा है। 190 ग्राम मैंने इसमें शुगर डाला है। शुगर को अच्छे से एकदम बारीक पीस लेंगे, क्योंकि एकदम बारीक होना चाहिए, वैसे जैसे मेल्ट हो जाता है, बट जितना बारीक होगा उतना अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पूरा बीट कर लिया है पूरा अच्छे से। और हमारे अंडे की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी डबल हो गई है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं प्रीमिक्स से भी केक बनाना बताऊंगी आपको, स्पॉन्ज उसका, इस ये चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना है आपको, और कौन सा स्पॉन्ज देखना है, पाइनएप्पल, बट और भी कॉफ़ी फ्लेवर और बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, रसमलाई, रबड़ी, मिक्स बॉस, जो भी स्पॉन्ज आपको देखना है केक का, आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए, बातें करते करते हमारा डबल क्या ट्रिपल हो गया एग। देखिए ही अंडे, ये ऐसा लग रहा है कि 10-12 अंडे इतना, और हाफ हाफ के हम 10-fold मैथड से ऐसे मिक्स करेंगे मैदा, एक भी गुठली नहीं होनी, हमारे बैटर में एकदम स्मूथ सा बैटर बनना चाहिए, और इसकी थिकनेस भी अच्छी खासी होना चाहिए, एकदम फास्ट ऐसा मिक्स नहीं करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से, जितना फास्ट करना है आप कट एंड फोल्ड मेथड से ही करें। अगर आप फर्स्ट सेकेंड टाइम बना रहे हैं तो एकदम स्लोली करें, और बनाते बनाते आपकी हैबिट हो जाएगी तो फिर फास्ट हो जाएगी। फिर आप कितना भी करें, आप कौन जो ये मिक्स चॉकलेट सा कर देना, इसको बैटर पूरा स्मूथ क्रीमी एकदम। और ये देखिए क्या है, इसमें ही हम ऑयल जो था मिक्सचर उसको भी मिक्स कर, इसमें कट एंड फोल्ड से पूरे ऑयल हमारे केक के ऊपर बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, इतने अच्छे से मिक्स होना चाहिए कि पूरा उसमें सेपरेट हो जाए वो।
और सेपरेट होने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करते करते ट्रांसफ़र करेंगे इसको मोल्ड में। ये मैंने लिया है 9 इंच का मोल्ड, क्योंकि मुझे बनाना है जार केक, इसलिए मुझे बड़ा स्पॉन्ज चाहिए था। मुझे 9 जार केक के ऑर्डर थे, इसलिए बड़ा सा लिया था। ये देखिए मैंने किया था और ये देखिए बेक का हो गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी लेयर बताएंगे हम आपको। इसकी जार केक की तो लेयर कैसे भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर पतला स्पॉन्ज हो तो कटिंग भी मत करो, डायरेक्टली ग्लास से आप जो जार केक के लिए यूज़ करना है वो कर सकते हैं। बट मैंने फिर भी 3 लेयर में कट कर दिया है ताकि आपको इसकी स्पॉन्ज में बताऊँ कितने अच्छे से बेक हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा चॉकलेट चॉकलेट सा एकदम यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सा हमारा स्पॉन्ज बेक हो गया। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कौन स्पॉन्ज नेक्स्ट टाइम। और ये देखिए